नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लच कंट्रोल और गियर कंट्रोल की। अब हम पैडल कंट्रोल और गियर कंट्रोल समझेंगे कि हम गाड़ी चलाते हैं तो बिगिनर लेवल पे जब भी हम चलाते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और कुछ लोगों को महीने 2 महीने बाद भी इशू आता है कि हम क्लच कैसे कंट्रोल करें, ट्रैफिक में जाते हैं कैसे कंट्रोल करें, गलियों में चलाते हैं तो कैसे कंट्रोल करें। तो ये सारी बात करेंगे, चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैंने क्लच प्रेस कर दिया है और चलिए मैं स्टेयरिंग राइट में काटूंगा पूरा, बिकॉज आगे फुटपाथ है। और मैं हल्का हल्का, देखिए इस टाइम मैंने 50% अपना क्लच रिलीज किया है और वहीं पर मैंने बैलेंस किया है पैर अपना। मैंने पूरा पैर नहीं हटाया, अभी भी 50% क्लच पे गाड़ी चल रही है। जब मैं पूरा क्लच छोड़ दूंगा तो भी देखिए गाड़ी की स्पीड मेरी ऑलमोस्ट 10 के अराउंड है, तो गाड़ी चल रही है। और देखिए लेफ्ट और राइट साइड का आपको, ये मैंने टेप मार्क करी है, आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी और एंड स्क्रीन में भी वीडियो डाल दूंगा। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प होगी, ये वाला मेथड बिल्कुल आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने गियर चेंज नहीं करा है, अभी भी फर्स्ट गियर में ही गाड़ी चल रही है। मैंने हल्का सा क्लच प्रेस किया था बिकॉज मुझे गाड़ी मोड़नी थी। अभी भी मैं हल्का सा ब्रेक लूंगा और स्मूथली गाड़ी को चलने दूंगा। तो दोस्तों, जब भी आप गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो देखिए गाड़ी चलाना कॉन्फिडेंस का खेल है, और कॉन्फिडेंस जब आएगा जब आप हर चीज में, गाड़ी की जितनी भी टेक्निकल चीजें होती हैं वो आपको पता होंगी, जैसे कि ORVM है, IRVM है, इनको सेट करना भी बहुत जरूरी है। जब आप इनको सेट कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपको पीछे का पूरा दिखाई देगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से। दूसरी चीज, स्टेयरिंग जब आप संभालना सीख लेंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्लच ब्रेक यूज करना, गियर डालना भी सीख लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। तो ये है कॉन्फिडेंस। अब मैं हल्का सा क्लच लूंगा और मैं फर्स्ट गियर में ही गाड़ी को रखूंगा, हल्का सा क्लच रिलीज कराए दोबारा, एंड यहाँ पे मुझे क्लच बार बार यूज करना पड़ेगा हाफ क्लच में, गियर मेरा फर्स्ट ही है। अब मैं हल्का सा स्पीड दे के सेकेंड गियर डाल दूंगा। अब गाड़ी मेरी सेकेंड गियर में चल रही है और स्पीड ऑलमोस्ट मेरी 15-20 के अराउंड है। अब मैं हल्का सा एक्सीलेटर यहाँ पे दूंगा और स्पीड बढ़ाऊंगा, एंड उसके बाद थर्ड गियर डाल दिया मैंने। अभी गाड़ी मेरी थर्ड गियर में चल रही है बिना एक्सीलेटर के, बिना क्लच के सॉरी। तो थर्ड गियर में गाड़ी चल रही है। अब देखिए उस गाड़ी वाले ने मुझे साइड नहीं दी, जिसकी वजह से हुआ क्या, अब मैंने देखिए फर्स्ट गियर में गाड़ी को उठाना पड़ रहा है क्लच दबा के। अब मुझे लेफ्ट में जाना है, अब मुझे राइट में जाना है, तो मैं राइट में जाऊंगा, इंडिकेटर दूंगा और फर्स्ट गियर में ही गाड़ी रखूंगा और यहाँ पे मैं गाड़ी रोक लूंगा, बिकॉज आगे देखिए ट्रक भी आ रहा है एंड गाड़ियां भी आ रही हैं, तो उनके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। अब देखिए लेफ्ट में भी गाड़ी है, तो अब देखिए अब गाड़ी फर्स्ट गियर में, मैंने क्लच दबा के सेकंड गियर डाल दिया, हल्का सा एक्सीलेटर दे रहा हूँ और गाड़ी मेरी मूव कर रही है ऑलमोस्ट 25 की स्पीड में। अब 30 की स्पीड आ गई है, मैं थर्ड गियर एंगेज कर दिया है और हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ गाड़ी को। अभी भी गाड़ी चल रही है, देखिए ऑलमोस्ट 25 की स्पीड में, एंड थर्ड गियर मैंने अभी भी डाउन शिफ्ट नहीं करा है। हल्का सा ब्रेक लेके क्लच दबाऊंगा और डाउन शिफ्ट करूंगा स्पीड के हिसाब से। मैं फर्स्ट गियर में गाड़ी डाल दूंगा बिकॉज मेरी गाड़ी की स्पीड ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गई है। फर्स्ट गियर में गाड़ी उठाऊंगा, उसके बाद मैं सेकेंड गियर एंगेज नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं फर्स्ट गियर में ही गाड़ी को चला रहा हूँ। चलिए सेकेंड गियर एंगेज कर देते हैं, थोड़ी सी स्पीड आगे गाड़ियों ने ले ली है, तो अभी गाड़ी मेरी चल रही है सेकेंड गियर में। आप देख पा रहे होंगे क्लच से मैंने पैर हटा रखा है, बिकॉज आराम से हम एक कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहे हैं 22-25 की। ऐसे आप गाड़ी चलाइए, अभी देखिए थोड़ा ट्रैफिक भी मिलेगा उसके हिसाब से आप देख पा रहे होंगे।
फर्स्ट गियर में गाड़ी को डाल दिया, हल्का सा क्लच रिलीज किया है एंड पूरा क्लच छोड़ दिया है बाइटिंग पॉइंट के बाद। अब मैं दोनों चीज एक साथ दबाऊंगा बिकॉज मुझे गाड़ी को रोकना पड़ रहा है। स्टिल गाड़ी फर्स्ट गियर में ही है तो मैं हल्का सा अपना बाइटिंग पॉइंट का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ताकि जर्क ना फील हो। अब मैं सेकंड गियर लगा दूंगा, मुझे स्पेस मिल गया है। देखिए अब मैंने थर्ड गियर लगा दिया है और हल्का सा ब्रेक ले रहा हूँ बिकॉज मैं क्लच नहीं यूज कर रहा हूँ बिकॉज गाड़ी मेरी थर्ड गियर में ही है ऑलरेडी, क्योंकि मुझे पता है आगे ट्रैफिक मूविंग है, कोई खड़ा ट्रैफिक नहीं। अब देखिए मुझे बिल्कुल इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़ी है, यहाँ पे फर्स्ट गियर डाल दिया है और गाड़ी उठा रहा हूँ। देखिए फिर से इमरजेंसी ब्रेक करनी पड़ी है, आपने देखा होगा क्लच दबा के मैं ब्रेक यूज कर रहा हूँ। अब मैं फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में आ गया हूँ, थर्ड गियर मैंने डाल दिया गाड़ी का, आप देख पा रहे होंगे गाड़ी की स्पीड 40 हो गई है। तो मैंने फोर्थ गियर एंगेज किया, क्लच से पैर हटा रखा है। देखिए जब जाम होगा या थोड़ा ट्रैफिक हो या कैसे भी आपको गाड़ी रोकनी पड़ रही है, क्लच पे पैर आपका जब ही जाएगा जब आपको गियर चेंज करने की जरूरत पड़ रही है या फिर गाड़ी को स्टॉप करने की जरूरत पड़ रही है, अदरवाइज आप क्लच दबाने का कोई मतलब नहीं बनता है। गाड़ी नॉर्मल स्पीड में चल रही है और इमरजेंसी ब्रेक भी करनी है तो आप क्लच दबा के करिए बिकॉज आप 30 40 20 की स्पीड में चलते हैं सिटी के अंदर। अभी भी मैंने क्लच नहीं दबाया है और ना ही मैंने गियर चेंज किया है एंड गाड़ी मेरी चल रही है ऑलमोस्ट 35 टू 40 की स्पीड में। मेरे को गियर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी है बिकॉज गाड़ी मेरी ऑलरेडी 40 की स्पीड में 35 की स्पीड में चल रही थी। तो दोस्तों ऐसे आप क्लच ब्रेक कंट्रोल कर सकते हैं। गियर लीवर का मैं कोशिश करता हूँ इस वीडियो में ही उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की, एक नई व्यू से आपको दिखेगा गियर लीवर कब मैंने शिफ्ट किया है। अब देखिए हल्का सा क्लच ब्रेक लगा रहा हूँ, अभी भी क्लच मैंने प्रेस किया बिकॉज मेरी स्पीड 30 की आ गई। तो अब मेरे को 30 थर्ड गियर में गाड़ी चल रही है। अब मैं फोर्थ गियर नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे बिकॉज आगे स्पीड ब्रेकर है। मैं हल्का सा ब्रेक लूंगा और स्पीड कम करके क्लच दबा लूंगा फटाक जल्दी से और सेकंड गियर में गाड़ी डाल के उठा दूंगा। मैंने गाड़ी सेकंड गियर में उठा दी है, देखिए ये थर्ड गियर मैंने लगा दिया है गाड़ी का। अब थर्ड गियर में गाड़ी चल रही है, ऑलमोस्ट 40 की स्पीड में गाड़ी है। फिर से ब्रेकर आ गया, ब्रेक लूंगा 20 की स्पीड कर।